कि आज हमारा कोर्ट का डिसीजन आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं, तो FIR करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है, और वो लूज FIR कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है। तो जो भी जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए, जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे, और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पर हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। सबसे पहले तो मैं जितने भी खिलाड़ियों ने हमारे समर्थन में ट्वीट किए हैं, क्योंकि मैंने खिलाड़ियों से अपील की थी कि अभी हमें एकजुट होने की जरूरत है, तो जितने भी खिलाड़ियों ने भारत में इंडिविजुअल गेम में 2 ओलंपिक गोल्ड है, और दोनों ओलंपिक गोल्ड ने खिलाड़ियों के हाथ में ट्वीट किए हैं, क्योंकि वो खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं। और जो दिल्ली पुलिस अभी तक FIR दर्ज नहीं कर रही थी, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ब्रिजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए अभी, क्योंकि उनके पास उनको ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप FIR दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? उनसे बड़ा तो उस फेडरेशन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए जल्दी से जल्दी। और जो सभी महिला संगठन हैं जो भी यहाँ हमारे सपोर्ट में आए और अपने एरिया में जो हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कई महिलाओं ने गिरफ्तारी दी है अपना। हाँ, पूरे इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत महिला संगठनों ने हमारा सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, गिरफ्तारी भी दी है, तो सब इतना मिलजुल के हमारे साथ आ रहे हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। काफी अच्छा लगा आज देख के कि आज बहुत सारे एथलीट ने हमारे पक्ष में ट्वीट किया है, काफी बॉलीवुड के जो स्टार है उन्होंने भी समर्थन दिया है, और वो भी हमारे साथ में न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन मेरा अभी भी खिलाड़ियों से एक फिर अपील रहेगा, और पहले भी मैं वही बोल रही थी, अगर देश में खेलों को बचाना है तो ऐसे लोगों के चंगुल से पहले स्पोर्ट्स को छुड़ाना होगा। ये सिर्फ कुश्ती की बात नहीं है, ये हर स्पोर्ट्स की बात है। मैं कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, काफ़ी दूसरे एथलीट से जो दूसरे गेम में हूँ उनसे भी मेरा कॉन्टेक्ट रहता है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, सभी परेशान हैं, हर किसी से सब परेशान हैं। तो मैं आप सब के माध्यम से अपनी एक आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहती हूँ, और जितने भी फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनसे भी कंटिन्यू टच में रहने की कोशिश करूंगी कि अगर देश को, देश का भविष्य अगर स्पोर्ट्स में बचाना है तो हमें एक साथ आना होगा। और सिर्फ सोशल मीडिया पे आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उसके कि आप हमारे लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो अदर स्पोर्ट्स में जो एथलीट सर्वाइव कर रहे हैं, जो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते हैं, या उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, या वो बोल नहीं सकते हैं किसी कारणवश से, वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं अभी तक, उनकी आवाज़ आप बन सकते हैं, आज हमारे देश में स्पोर्ट्स को बचा सकते हैं। तो मेरा आज भी यही अपील रहेगा कि हम जंतर मंतर पे हैं कंटिन्यू अपने हक की, अपने न्याय की मांग के लिए। आप भी हमारे समर्थन में आइए और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को बचाने के समर्थन में आइए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं आज नहीं आए ना, तो कभी भी दोबारा ये ऐसा मौका नहीं आना है जिंदगी में कि हम हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को बचा लेंगे। FIR अगर दर्ज हो रहा है, अगर लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है, तो FIR दर्ज करने के लिए मुझे लगता है कि ये इनफ है। जो भी सबूत देने होंगे, पहले हमने बहुत काफी सबूत दिए हैं,
लेकिन अभी आगे जितने भी सबूत देने होंगे हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे, ना कि किसी कमेटी के सामने या दिल्ली पुलिस के सामने। देखिए जो FIR पहले दिन होने चाहिए थी वो 6 दिन लगे FIR करने में। ये लड़ाई FIR तक नहीं थी कि हम FIR चाहते हैं, FIR तो हम कैसे भी करके आ गए तो 10 दिन बाद करवाई लेते। ये लड़ाई है ऐसे व्यक्ति को सजा देने की। FIR तो उसके ऊपर 85 मुकदमे चल रहे हैं, जब वो मुकदमों में ही अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये एक और FIR से उसका कुछ नहीं होना। उसको जेल में डालना चाहिए, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, सभी पदों से हटाया जाना चाहिए। और रही इलेक्शन की बात, तो कोई पहले दिन से हम ये बोल रहे हैं कि हमें इलेक्शन से या प्रेसिडेंट पद से हमें कोई मकसद ही नहीं हमारा इस चीज़ के लिए। आज भी उसी बात पे अड़िग हैं, भविष्य में भी इसी बात पे अड़िग रहेंगे कि रेसलिंग को बचाना है ऐसे लोगों से, और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को, जो रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स की, रेसलिंग में इतने सालों से ओलंपिक मेडल आ रहे हैं, जो संघर्ष हम लोगों ने रेसलिंग को इतना ऊपर ले जाने के लिए किया, मैं नहीं चाहती कि उसका भविष्य अंधकार में जाए, उसके लिए अभी लड़ाई लड़ रहे हैं बस। सर पब्लिक में तो पुलिस ने भी हमारे नाम सब उसके निकाली दिए, जितनी भी महिला एथलीटों ने दिए हैं, कमेटी ने भी सोर्सेज के हवाले से वो नाम निकाले दिए हैं, कुछ बाकी रह नहीं गया कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं निकाली है, लेकिन निकाली है तो कमेटी ने वो नेगेटिव निकाली है, जो असली हकीकत थी, जो असली बात थी वो तो उन्होंने छुपा के रख रखी है, जो उन्होंने नहीं निकाली है। लेकिन हम जब भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा, अगर वो कमेटी की जांच को मांगेगा तो शायद कमेटी को वो देनी पड़ेगी, उसके बाद में जो वो फैसला लेंगे वो बिल्कुल हम सबको मान्य होगा। आपके साथ में FIR की है कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड उनकी लिस्ट है उनके ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, FIR तो उनके ऊपर बहुत है, जब तक वो जेल में नहीं जाते तब तक करना जारी रहेगा। ये बात हो रही थी अनुराग ठाकुर जी ने हमारे फोन ही नहीं उठाए, कहा जाते हैं उनके अधिकारी बोल रहे थे कि साहब अभी बिजी हैं, हमने तो बहुत बार ट्राई किया उनको फोन करने के लिए, उन्होंने बोल रहे कि हम 12 घंटे की गाड़ियों से मिले थे, उनको पूछिए 12 घंटे में आप कितने मिनट की गाड़ियों से मिले थे, अगर हम टोटल टाइम निकाले तो 12 मिनट मिले होंगे वो खिलाड़ियों से। अरे नीचे बैठ जाओ। और रही कमेटी की महिलाओं की बात, उनमें आपस में लड़ाई चल रही है, तो आपस से जो मतभेद उनमें, तो वो क्या खिलाड़ियों के साथ, उन्होंने सारे सवाल ऊपर नीचे करके खिलाड़ियों के सोर्सेज के हिसाब से निकाल, सोर्सेज के सारे सबको निकाल दिया कि खिलाड़ियों ने कोई सबूत ही नहीं दिया, अगर खिलाड़ियों ने सबूत नहीं दिया तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दिल्ली पुलिसों की FIR की जानी चाहिए। इसी में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, जो इंटरनल कमेटी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बनाई थी उसमें एक सदस्य है राधिका श्रीमन, हमने उनका एक आर्टिकल देखा है, उसमें उन्होंने बोला है कि एक लड़की ने हरासमेंट की शिकायत की थी, लेकिन सोर्सेज के हवाले से तो वो एक लड़की भी सामने नहीं आ रही, उसके बिहाफ पे तो FIR होना चाहिए था। देखिए उच्च न्यायालय के सामने ये मामला जा चुका है, उच्च न्यायालय के अलावा हमें किसी कमेटी पे, किसी सदस्य पे, किसी पे भी कोई विश्वास नहीं है, अगर हम जाएंगे तो देश की अदालत में जाएंगे या हम उच्च न्यायालय के सामने जाएंगे। ये बात हो रही थी कि कल एक मिनट एक मिनट, दो सवाल है, पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया FIR दर्ज करने का, दिल्ली पुलिस उन्होंने FIR दर्ज करी थी, इन्वेस्टिगेट करेगी, तो क्या अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जांच की गई होगी वो आपको संपर्क करके तो आप उनको सहयोग करेंगे या सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी बात रखी थी, पहला। दूसरा ये कि इसके FIR दर्ज होने के बाद आपकी
ऐसी मांगे हैं जिस पर आप खड़े हुए हैं और उसके बिना जो है प्रदर्शन अपना कर लेंगे? सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस पर देखो हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि 6 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने FIR की है। तो सबसे पहले तो यही है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और पुलिस को भी सहयोग कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हम जो मेन है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने बयान देंगे और बस फिर फेयर डिसीजन होना चाहिए। सबसे जैसे अभी डिस्कस हुआ ही है कि उसके जो सारे पदों से उसको हटाया जाए, जैसे भी जो भी अभी कार्रवाई होगी और उचित जो सजा होगी वो जेल में जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो इन्वेस्टिगेट करके जो भी उसके लिए उचित सजा होगी वो होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो बड़े बुजुर्ग सब बोलेंगे, क्योंकि सब ने इतना साथ दिया है हमारा, उसके बाद ही हम धरना खत्म करेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर FIR होगा, एक तबका ये कह रहा था, मतलब कुछ लोग मेरे से बात कर रहे थे कि FIR हो जाए तो शायद आप लोग चले जाए, तो आप आज जो डिसीजन लेने से पहले आप लोग ने इस बारे में डिस्कस किया? कल ये ऐसी अटकलें हो रही थी यहाँ पे कि अगर FIR आज हो जाएगी तो आप लोग शायद चले जाए, तो आज जो आप लोगों ने डिसीजन लिया उससे पहले ये सब चीज़ें आप लोगों ने डिस्कस किया था? देखिए बिल्कुल, क्योंकि FIR मैंने पहले बताया तो ये पीछे जो लगा हुआ है जो चार्ट है पूरा 84 है उसके ऊपर पहले भी, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दोबारा से भी ध्यान देंगे, क्योंकि इनको तो प्रॉब्लम निकलवाना चाहिए और उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तो जो ये अभी लगी है जो अभी हम वेट करेंगे कि दिल्ली पुलिस कौन सी FIR करते, कैसी धाराएँ लगाती है, क्योंकि पुलिस का अभी भी एतबार नहीं है कि हम पहले बोला कि हमें विश्वास नहीं है पुलिस पे, क्योंकि पुलिस ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए तब FIR की तरफ गए हैं। तो और जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई धरना खत्म हो जाएगा, जितने भी हमारे सपोर्ट में पूरा देश खड़ा है, जितने भी संगठन किसान संगठन मजदूर है, खाद पंचायतें हैं, हमारे कोचिज हैं, तो वो सभी डिसीजन लेंगे। अभी ये साक्षी बजरंग मिले इसका डिसीजन नहीं है, ये पूरे इन लोगों का डिसीजन जो हमारे साथ में जुड़े हैं। हम तो 7 दिन से बैठे हैं भाई, हम तो किसी ने बुलाया नहीं। जो माइनर है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और आप लोगों को भी अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली पुलिस। जी देखिए बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सभी खिलाड़ियों को जो इसमें मुख्य चेहरा है उन सभी को भी सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जिस उन खिलाड़ियों ने कंप्लेंट दी उनको भी सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो बोलते ना मर्द आदमी कुछ भी कर सकता है, तो उसके सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं, कुछ भी करवा सकते क्योंकि वो खुद बाहुबली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी अभी तक आए हैं हमारा समर्थन करने, और ऐसे ही हमारा समर्थन करने आते रहो, और फाइनल डिसीजन जो हमने बता ही दिया है कि अभी धरना चालू